हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज हियर आई कवर्ड ऑल क्वेश्चन विच इज आस्क्ड इन माय इंटरव्यू। बिफोर विजिटिंग ऑफिस प्लीज वॉच दिस वीडियो, दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू। फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन विल बी आस्क्ड यू, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ STCW एंड ISPS। STCW फुल फॉर्म इज स्टैंडर्ड ऑफ ट्रेनिंग सर्टिफिकेट एंड वॉच फिटिंग। एंड ISPS फुल फॉर्म इज इंटरनेशनल शिप एंड फॉर फैकल्टी सिक्योरिटी कोड। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट इज इनक्लोज स्पेस, एनी कंपार्टमेंट विच इज नॉट वेंटिलेटेड फ्रॉम वेरी लॉन्ग टाइम एंड हैव लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड high amount of toxic gas, that is called enclosed space. And next question, what is MARPOL? Full form of MARPOL is International Convention for Prevention of Pollution from Ship. It is divided into 6 annex. Annex first is prevention of pollution by oil, and annex 2 prevention of pollution by noxious liquid substances, and annex 3 is prevention of pollution by harmful substances packaged form, and annex 4 is prevention of pollution by sewage from ship. Annex 5 is prevention of pollution by garbage, and annex 6 is prevention of pollution by air. And next question, what is EEBD and SCBA, and tell me difference between them. So friends, EEBD means emergency scuba breathing device, and SCBA means self-contained breathing apparatus. And friends, EEBD is used for the short time, and SCBA used for long time. And SCBA survival time is 45 minutes, and EEBD survival time 15 minutes. And next question, main engine model and stock. Friends, where you was worked, what was main engine model and stroke? Friends, where I was worked, main engine model is 6L26HLX and 4 stroke engine. And next question, tell me about engine room equipment and machinery. Friends, जहाँ पे दोस्तों आपने काम किया वहाँ पे क्या क्या मशीनरी थी वो सब दोस्तों बताना है। दोस्तों जहाँ पे मैंने काम किया था वहाँ पे देयर हैव वन हाइड्रोफोर एंड टू सेंट्रीफ्यूगल पंप एंड टू एयर कंप्रेसर, टू मेन इंजन, टू ऑक्सिलरी जनरेटर एंड वन हार्बर जनरेटर एंड वन इमरजेंसी फायर पंप, वन फीफी एंड वन फायर पंप एंड वन बिल्ज पंप। दिस क्वेश्चन यू कैन टेल हिम। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑयलर, टेल मी अबाउट ऑयलर वर्क, मीन्स व्हाट इज़ द वर्क ऑफ ऑयलर। दोस्तों ऑयलर का काम क्या होता है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। दोस्तों आप ये बता सकते हैं, जैसे कि हो गया क्लीनिंग ऑफ सी चेस्ट स्टेनर्स, उसके बाद फ्यूल ऑयल फिल्टर्स, मेन इंजन प्राइमरी एंड सेकेंडरी फ्यूल ऑयल फिल्टर क्लीनिंग एंड लूब ऑयल फिल्टर क्लीनिंग, जनरेटर फिल्टर प्राइमरी एंड सेकेंडरी क्लीनिंग्स, एंड टेक मतलब चेक लेवल ऑफ मेन इंजन सम्प एंड चेक ऑयल लेवल इन जनरेटर्स एंड चेक ऑयल इन कंप्रेसर। इफ हैव लेस ऑयल देन वी हैव टू ऐड। एंड दोस्तों और जो भी इंजन रूम में काम चल रहा है उसमें जो भी हमारे सीनियर लोग बोलेंगे उनको असिस्ट करना, जैसे हमारा फायर पंप या GS पंप, इसका मेंटेनेंस हो रहा है, इसमें जो भी हमें टूल्स बोलेंगे उसको दोस्तों ला के अरेंज करना, दोस्तों आप ये बता सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज SOPEP? SOPEP फुल फॉर्म इज सी बोर्ड ऑयल पॉल्यूशन इमरजेंसी प्लान। एंड आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं फ्रेंड्स। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, टेल मी अबाउट LSA लाइफ सेविंग अप्लाइंसेस। फ्रेंड्स यू कैन टेल हिम लाइफ जैकेट, लाइफ बॉया, इमरजेंसी सूट,
रेस्क्यू बोट, हैंड फ्लेयर, रॉकेट पैरासूट, LTA, थर्मल प्रोटेक्टिव एड, ब्रीथिंग अपरेटस, जनरल इमरजेंसी अलार्म, साल्ट, हिपब, स्मोक सिग्नल, प्लीज यू कैन टेल हिम। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, टेल मी अबाउट FFA, फायर फाइटिंग अप्लाइंसेस, यू कैन टेल हिम, फायर डिटेक्शन अलार्म, जनरल अलार्म, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, ब्रीथिंग इक्विपमेंट, स्प्रिंकलर सिस्टम, वाटर मिस्ट, फायर हाइड्रेंट, COT एक्सटिंग्विशर सिस्टम, DCP फॉर्म, इमरजेंसी फायर पंप, फायर ब्लैंकेट, फायरमैन्स आउटफिट, दीज आंसर्स यू कैन टेल हिम। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज टर्बो चार्जर? फ्रेंड्स, टर्बो चार्जर इज फिटेड इंजन एग्जॉस्ट एंड इनटेक मोर एयर सो दैट इंजन पावर, ताकि दोस्तों जो इंजन की पावर है वो इंजन की पावर जो है बढ़ जाए। तो दोस्तों यू कैन टेल हिम, टर्बो चार्जर इज ए फोर्स इंडक्शन डिवाइस दैट इज पावर्ड बाय फ्लो ऑफ एग्जॉस्ट गैस दैट यूजेस दिस एनर्जी टू कंप्रेस द इनटेक एयर फोर्सिंग मोर फ्रेश एयर इनटेक इनटू इंजन द इंजन पावर विल इंक्रीज। एंड फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द इंजन कमिंग लो ऑयल प्रेशर अलार्म, व्हाट इज द मीन्स? मतलब दोस्तों, अगर इंजन में लो ऑयल प्रेशर अलार्म आ रहा है, इसका मतलब क्या है दोस्तों यू कैन टेल हिम, फर्स्ट वी विल चेक ऑयल सम्प। पहले दोस्तों इंजन का हम ऑयल सम्प चेक करेंगे, कितना ऑयल है, डिपस्टिक है, जो भी है साउंडिंग्स, उसका पहले दोस्तों हम चेक करेंगे कितना ऑयल है। एंड अगर दोस्तों ऑयल अगर बराबर है, ऑयल ठीक है, तो दोस्तों इसका मतलब उसका जो है फिल्टर चोक है दोस्तों, उसका फिल्टर जो है क्लीन करना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, कलर कोड ऑफ पाइपलाइन। फ्रेंड्स, लूब ऑयल येलो रहता है एंड सी वाटर लाइन ग्रीन, फ्रेश वाटर लाइन स्काई ब्लू एंड स्लज एंड वेस्ट ब्लैक, फ्यूल ऑयल ब्राउन, स्टीम लाइन सिल्वर, हाइड्रोलिक ऑयल ऑरेंज एंड CO2 एंड फायर लाइन इज रेड। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, बिफोर एंटरिंग इन द रूम व्हाट यू विल डू? फ्रेंड्स, इन द रूम में आने से पहले आप क्या करोगे? फ्रेंड्स, फर्स्ट यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ बिफोर 15 मिनट्स विथ प्रॉपर PPE, लाइक यू हैव टू वियर शूज, बॉयलर सूट, हेलमेट, ये सब दोस्तों आपको जो है प्रॉपर PPE के साथ जो है 15 मिनट इंजन रूम में 15 मिनट पहले आप आएंगे। एंड जो भी मशीनरी रनिंग पोजीशन पे है, उसका प्रेशर, टेम्परेचर, ये सब दोस्तों चेक करेंगे प्रॉपर है कि नहीं। एंड आप बिल चेक करेंगे, उसके बाद दोस्तों आप जिसको रिलीज, आप जिसको जो जिसकी ड्यूटी ओवर हो रही है दोस्तों, आप उसको जो है अगर सब कुछ प्रॉपर है तो आप उनसे पूछेंगे क्या क्या काम हुआ, ये सब पूछ के सब कुछ अच्छा तो उसके बाद आप उनको छोड़ देते हैं दोस्तों, लीव। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टू ऑयल ग्रेड लाइक मेन इंजन एंड हाइड्रोलिक इंजन? सॉरी, मेन इंजन ऑयल एंड हाइड्रोलिक ऑयल में दोस्तों क्या फ़र्क होता है? दोस्तों डिफरेंस केवल इतना होता है कि विस्कोसिटी एंड टेम्परेचर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ यू हैव टू लिफ्ट हैवी वेट हाउ विल यू लिफ्ट? अगर दोस्तों आपको हैवी वेट लिफ्ट करना है, आप कैसे उठाओगे? दोस्तों यू विल यूज चेन ब्लॉक। फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फुल फॉर्म ऑफ साल्ट एंड इबब। फुल फॉर्म ऑफ साल्ट इज सर्च एंड रेस्क्यू ट्रांसपोंडर एंड इबब फुल फॉर्म इज इमरजेंसी पोजिशनिंग इंडिकेटिंग रेडियो बीकॉन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ इन इंजन रूम यू विल कैच फायर व्हाट यू विल डू? अगर दोस्तों इंजन रूम में फायर लग जाता है तो आप क्या करोगे? फर्स्ट दोस्तों अगर छोटा फायर है तो आप पहले बुझाओगे, अगर बड़ा फायर है उसको आप क्या करोगे? अलार्म जो है रेस करके आप जो है मस्टर स्टेशन पे जो है दोस्तों असेंबल हो जाओगे। एंड जो भी मस्टर लिस्ट में आपकी ड्यूटी है दोस्तों, उस मस्टर लिस्ट के अनुसार आप क्या करोगे, काम करोगे दोस्तों। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, प्लीज़ कमेंट करके बताएं ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।